और मिस कुकिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनेंगे, आज हम लोग पितृ श्राद्ध मना रहे हैं। इस तिथि में हम लोग पितृ श्राद्ध करते हैं, तो चलो बनाते हैं। हम लोगों ने पूड़ी, सूजी का हलवा और सब्जी बनाया था, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, सबका तबीयत ख़राब है। तो चलो आज ब्लॉग टाइप से दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा था कि आप ब्लॉग बनाइए, तो देखिए मैं सूजी को पहले फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें दूध और पानी को उबाल लेंगे। दूध को मैंने छान कर डाल दिया है। शक्कर थोड़ा गंदा है, चिपचिपाहा टाइप का लग रहा है, तो मैं उसको धो के डालूँगी। बच्चे पसंद नहीं करते हैं ऐसे शक्कर को, तो उसको धो दे रही हूँ मैं। धो के डालने से आधा से ज़्यादा शक्कर चला जाता है, फिर भी साफ लगता है। देखिए धोकर डाल दे रही हूँ मैं शक्कर। दूध और पानी उबल जाने के बाद इसमें भुना हुआ सूजी को हम लोग मिलाएंगे। इस तरह से बनाया जाता है और भुन कर उसी में दूध और आगे पीछे मैं पानी से घूम कर रही डाल हूँ देने से भी क्योंकि होता है, मुझे लेकिन इस तरह से घूमना बनाने में बहुत थोड़ा अच्छा पसंद लगता है। है। आपको पसंद है तो आप इलायची पाउडर डाल दें, काजू बादाम डाल दें, अच्छी बनता है सूजी का हलवा। तो हम लोगों का सूजी का हलवा तैयार हो गया, देखिए झटपट से। अब हम लोग बनाएंगे पूड़ी। तैयार हो गई हमारे सूजी का हलवा। इधर चना भी छोले के लिए उबल चुकी है, देखिए मेरी देवरानी आटा गूंथ रही है, माही भी उसके साथ आटा गूंथ रही है। आप ये ब्लॉग को थोड़ा थोड़ा प्रशांत ने समर्पित ब्लॉग में भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही साथ करते हैं, देवरानी जेठानी हैं। इधर मैंने तेल चढ़ा लिया है, चाय भी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ चाय पियेंगे आज। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही आज सब लोग नाश्ता करेंगे। सिर्फ देखो चाय दे रही हूँ मैं सबको। मेरी देवरानी है, सब लोग बोलते हैं कि आप एक ही फोटो को डालते हो ब्लॉग में, माही का फोटो कैसे डाले हो। तो मैं माही की मम्मी हूँ और तनुजा मेरी देवरानी है, हम लोग एक ही घर से हैं, कुछ भी होता है तो एक साथ करते हैं, तो वही फ़ोटो होगा। आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिएगा, हम लोग एक ही में सब करते हैं तो एक ही टाइप का होगा। मेरे को भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉग बनाइए दीदी, ब्लॉग बनाइए, तो मेरी देवरानी ब्लॉग बना रही है, मैं भी ब्लॉग बनाऊँ, तो वही सब चीज़ होगा। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, रेसिपी दिखाती हूँ। वही घर है, वही लोग हैं, तो डबल डबल ब्लॉग हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे कि वही वही चीज़ को दिखाते हो दोनों। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, मैं रेसिपी दिखाती हूँ मेरे देवरानी का। देखिए वही हमारा घर है, देखिए इधर मैं पूड़ी तल रही हूँ, उधर मेरे देवरानी छोले बना रही है। दोनों मिलकर ऐसे ही हम लोग काम करते हैं, कुछ भी होता है तो। मेरी बेटियाँ भी हाथ बटाती हैं और हम लोग फैमिली हमेशा घुल मिल कर रहते हैं। मेरे देवरानी भी बहुत अच्छी है, मेरी बेटियाँ भी हाथ बटाती हैं, कुछ भी होता है हम लोग मिल के काम कर लेते हैं, हंसी मजाक करते हुए, काम का पता ही नहीं चलता है। हम लोग एक ही साथ 6 साल तक थे, उसके बाद हम लोग अलग अलग खाना बना रहे हैं, लेकिन मिल कर रहते हैं, कुछ भी होता है तो एक साथ करते हैं। जैसे कोई भी त्यौहार
या ज़्यादा मेहमान वेहमान आ जाए तो एक ही साथ में हम लोग सब काम कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है काम का। हम लोग बहन जैसे रहते हैं घर में। देखिए आज सब कुछ अलग चीज़ का बना रहे हैं, तो हम लोग तेल डाले नहीं हैं, जैसे पैकेट फाड़े हैं उसी पैकेट से बना ले रहे हैं। जो छुआछुई होता है आज उसका नहीं बना रहे हैं, डेली के उपयोग में लाने वाला चीज़ आज नहीं डाल रहे हैं, सब अलग से नया चीज़ बना रहे हैं। जैसे हम लोग खाते हैं नमक को नहीं डाल रहे हैं, नया नमक डाल रहे हैं। हम लोग खाते हैं वो तेल को भी नहीं, छुया हवा कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आज ब्राह्मण भोजन करवाना है। इधर मैं पूड़ी तल रही हूँ, उधर वो सब्जी बना रही है, मेरी बेटियाँ पूड़ी बेल रही हैं। ऐसे करके हम लोग सब मिलकर काम कर लेंगे। भी हाथ बटा रही है पूरी बनाने में, देखिए सब काम मैं करूंगी बोलती है, हर काम में हाथ बटाना चाहती है। इतनी छोटी है, छत्तीसगढ़ में रहती है लेकिन उड़ीसा बॉर्डर है, तो हम लोग घर में उड़िया छत्तीसगढ़ी मिक्स से ही बात करते हैं। हम लोग का उड़िया बात ही छत्तीसगढ़ी मिक्स टाइप का रहता है। और सब उड़ीसा से आए हैं, मेरी सास मेरे देवरानी लोग, मैं ही छत्तीसगढ़ की हूँ, तो थोड़े उड़ीसा का टाइप से हम लोग चलते भी हैं। उड़ीसा का त्यौहार व्यौहार भी मनाते हैं, उड़ीसा बॉर्डर है तो। और घर में भी सब उड़िया ही संबलपुरी जैसे बात करते हैं। इनके भी रूम में जाकर सब कुछ गिरा देती है, ऐसे ही करती है। माही का हमेशा खेलने का काम है, कुछ गिराना खेलना इसी तरह करती है। देखिए हम लोग ने ये सब कुछ बनाया और हम लोगों ने पंडित को भी खिलाकर भेज दिया है, सबको दे दिया है। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, मेरी सासू माँ को भी दे चुके, माही हमारे साथ खा रही है। इसी तरह से हम लोग पितृपक्ष मनाए। मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा करी हूँ। मेरे पिताजी आए हैं, मेरी बेटी उनको बैठने के लिए आसन दे रही है, सब उनका पैर छू रहे हैं। आज पितृ श्राद्ध कर रहे थे तो उनको भी हम लोग नाश्ता करके जाइएगा बोल के, कुछ काम से आए थे मेरे पिताजी। मेरे पास में ही मायका है तो वो लोग आते रहते हैं 8 दिन 15 दिन में। मेरे पिताजी एक पुजारी भी हैं, खेती भी करते हैं। मैं कभी दिखाऊंगी, मेरा मायका का टूर भी दिखाऊंगी, होम का टूर भी दिखा दूंगी। कई लोग कमेंट करके बोल रहे हैं प्लीज़ इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और रेसिपी के साथ मैं थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी। मेरी देवरानी ब्लॉगिंग कर रही है और हम लोगों ने अभी रसोई उसे नहीं बनाया है, मैं बरामदे में ही खाना बनाती हूँ एडजस्ट करके। अभी हम लोग नहीं बनाए हैं रसोई, तो इसलिए भी अच्छा नहीं लगता है दिखाने को। देखिए हम लोगों ने सारा काम ख़त्म कर लिया है, अब जिसको जिसको बांटना है बांट देंगे। सब खाली वाली करके बर्तन धो लेंगे और इतना ही ब्लॉगिंग की हूँ मैं। हम लोग तीनों सासू बहू जिसको जिसको देना है दे देंगे और
सब खाली वाली करके हम लोग अब देवरानी जेठानी धो लेंगे। इसी तरह से हम लोग करते हैं सब कुछ मिलकर। तो बस इतना ही ब्लॉगिंग है, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।